हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी मटन कोफ्ता। ये आप जब अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं आप इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने उनको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर रेसिपी। यहाँ मैंने मटन का कीमा ले लिया है 1 kg। इसे मैंने ग्राइंडर में हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितना बारीक सा हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल लें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम कोफ्ता जो है उसकी मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे 2 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें और ऐड कर लें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक एज़ पर योर टेस्ट, 1 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से आप मिक्स कर लें ताकि ये बहुत ही अच्छे से पूरे सारे मसाले मिक्स हो जाएं। अब आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दें। अब यहाँ पे हम ग्रेवी रेडी कर लेंगे। एक पतीली में मैंने ऑयल हीट कर लिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल लूँगी। मैंने अखी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, बाजरान फूल डाल लिया है और मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ प्याज को अच्छे से एकदम बारीक ग्राइंड कर ली है। मैं इसे तेल में ऐड कर लूँगी और इसे स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूँगी। अब मैं यहाँ पे एक मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें मैं काजू 6 से 8, बादाम 6 से 8, दही 100 ग्राम जितनी, तली हुई प्याज 1 या 2 तली हुई प्याज आप ले लें, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा जो ग्रेवी है उसका मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने बादाम, काजू, दही और जो ड्राई अनियन है, फ्राइड अनियन है, वो इसमें ऐड कर लिया है। मैं उसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब यहाँ देखिए मेरी प्याज थोड़ी सी सौते हो गई है। मैं यहाँ इसमें 1 चम्मच जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। आप फ्लेम को फास्ट करके इसे भून लें। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी 1/2 चम्मच जितनी, लाल मिर्ची पाउडर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, या डिपेंड्स आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और ऐड कर लें। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। इस मसाले को आप अच्छे से भून लें। का हमें बहुत ही अच्छे से भुनना है ताकि जो कच्चा पन होता है प्याज का वो सारा निकल जाए। अब ये देखिए ये कोफ्ते का जो है हमारा मिक्स वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैं इसमें 2 चम्मच जितना बेसन ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अब हम थोड़ा सा और 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने देंगे। ये देखिए ये जो प्याज का मसाला हमारा है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लें। मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब जो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ था काजू बादाम का वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे मिक्स कर लें। ये 2 मसाले ऐड करने से ना हमारी जो ग्रेवी वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इस मसाले को भी हमें अच्छे से भूनना है।
पानी ऐड कर लें। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। आपको थोड़ी पतली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें। अगर आपको थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी ऐड करें। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें और उसमें पानी ऐड कर लें। अब आप इसे पकने दें। ये देखिए हमारे कोफ्ते का जो कीमा है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं सारे कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। कोफ्ते को आपको डीप फ्राई करना है, बड़े मीडियम साइज के, जैसे भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से क्वांटिटी लेके कीमे की कोफ्ता प्रिपेयर कर लें। कोफ्ते को अच्छे से टाइट हाथ से आपको बनाना है ताकि उसमें क्रैक्स ना आए और फ्राई करते समय ये बिल्कुल भी फूटे नहीं। ये देखिए अच्छे से टाइट हाथ से आप कोफ्ते प्रिपेयर कर लें और एक एक प्रिपेयर करते जाएं और उसे फ्राई करते जाएं। अगर आपको ऑयल थोड़ा सा ग्रेवी में कम लग रहा है तो जिस ऑयल में आपने कोफ्ता फ्राई किया है वो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है क्योंकि जो ग्रेवी की खूबसूरती है वो बहुत ही अच्छे से आती है। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते फ्राई करके ऐड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर ऐड कर लूँगी ऊपर से, कोथमीर बारीक चॉप करी हुई ऐड कर लूँगी। ये देखिए हमारी कोफ्ता करी रेडी है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू उठी है। और यहाँ आप अपने गैस को गर्मा गर्म मटन कोफ्ता सर्व करें। आप इसे ज़ीरा राइस, पराठा, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। वेरी डिलीशियस। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक माय रेसिपी, डू सब्सक्राइब माय चैनल और फर्दर शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन याद से दबा दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि ये कैसी बनी है। थैंक यू, बाय बाय।